अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था रात का टाइम, बच्चे सो चुके हैं इस टाइम, और बस मेरा कुछ ऐसा वैसा खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा आज मैंने खाना है तो पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाऊंगी तो जीऊंगी। अक्सर ऐसे होता है, हस्बैंड का जब अपना दिल होता है ना तब ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उस दिन मेरा दिल था। वो कहने लगे कल, मैंने कहा नहीं, मैंने आज ही खाना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मंगवा दिया था। और फिर ये था सुबह का टाइम, यहाँ पर हम तीनों माँ बेटियाँ ना अपना ही घर एक्सप्लोर कर रही होती हैं। हम बोलो उसके बाबा सो रहे थे, आए थे लीजो और मैं, तोतों को दाना पानी डालते हैं, सहन में टहलते रहते हैं, पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं। लीजा और आयत को भी बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह ना फूलों का। अच्छा, फिर लीजा की नज़र एकदम से अनार के पौधे पे पड़ी, कहती मम्मा ये देखिए अंगूर लगा हुआ है। मैंने कहा ये अंगूर नहीं है, ये अनार है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलो मेरे पौधे पे कुछ तो लगा, तो बस ये दो ही लगे हुए थे। मैंने फिर बड़ा ढूंढा पूरे पौधे के ऊपर शायद कि अब इस बार मेरा पौधा ना अनार, इसके अनार के फूल उठाएगा, लेकिन बस ये दो ही लगे थे और ये गिर भी गए हैं अब। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इनको रेडी कर दिया, ये लोग स्कूल जा रही हैं। फिर मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया और ये डायरेक्ट आ गया जी शाम का टाइम। तो मेरी आदत है मैं जब भी चने तकसीम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चना चाट बना के तकसीम करती हूँ। कुछ लोग सादा भी करते हैं, कुछ लोग जस्ट मसाला लगा देते हैं, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 किलो चने रात को भिगो के रखे कि सुबह बॉईल करके ना दोपहर के टाइम में चना चाट तकसीम कर दूँगी। अच्छा, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मैंने 2 दिन से वॉइस ओवर नहीं की। मैंने कहा अच्छा जब मेरा गला ठीक हो जाएगा ना मैं फिर वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन गला ठीक ही नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा अब इतनी मुश्किलों से मेरा चैनल थोड़ा अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं व्लॉग की छुट्टी कर दूँगी, वो फिर उसकी बेचारे की रीच कम हो जाएगी। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे कैसे कर रही हूँ कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने दोपहर को मतलब सोचा था कि मैं चना चाट तकसीम करूँगी, और उस दिन पूरा दिन गैस नहीं आई थी लिटरली। शाम को जाके 4 बजे गैस आई थी, और फिर जो थोड़ी बहुत चनों में कसर बाकी थी ना वो फिर, क्योंकि इतने ज़्यादा चने थे ना मैं उनको कुकर में बॉयल नहीं कर सकती थी। सुबह मैंने तकरीबन नाश्ते के बाद ना 9 बजे बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और जब दोपहर को 11-12 बजे मैंने देखा तो वो बिल्कुल चूल्हा चल ही नहीं रहा था, गैस ही चली गई थी। और फिर उसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद आई थिंक सो शाम को बिल्कुल 4-4:30-5 बजे जाके गैस आई है। फिर मैंने उसके नीचे चूल्हा ऑन किया और जो उसकी कसर थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी चनों की वो पूरी की। फिर मैंने सारी चीज़ें रेडी की और फिर चना चाट बना के और उसको अच्छे से बॉक्सेस के अंदर डाल के तकसीम कर दिया था। खैर जी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से चीज़ बना के और तकसीम करना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बिल्कुल अच्छे से चीज़ खा लेता है। मैं कोई चीज़ बनाऊं और कोई दिल से खा ले वो चीज़ बचे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो डिस्पोजिबल बॉक्सेस थे ना, ये तकरीबन मैंने 2 माह पहले मंगवा के रखे हुए थे मक्की से कि ना मैं वो बना के तकसीम करूँगी बच्चों में ना जर्दा चावल, और यकीन करें मेरे पास उस दिन से टाइम ही नहीं था। खैर आप लोग सोचते कुछ होता कुछ है, तो फिर ये मेरे वहाँ पे तो काम नहीं आए। और फिर मैंने कहा चले मैं इनके अंदर चना चाट डाल के ही तकसीम कर देती हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं, इन सबको फिर मैंने एक ही शॉपर के अंदर डाल दिया था और बच्चे को बुलवा के उसके हाथ सारे घरों में तकसीम करवा दिया था। लेकिन जो आसपास के घर थे ना वहाँ पे लीजा और आयत की डिमांड थी कि हमने बांटना है, और ये तीनों बहन इतनी खुशी खुशी फिर तकसीम करती फिर रही थी, इनको भी अच्छा लग रहा था कि हाँ मम्मा हमें दें और हम सब घरों में दे कर आएँ। खैर जो करीब करीब थे घर मैंने वहीं पर भेजा था। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।